डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल और है। सवाल ये है कि देखिए, उस वक्त जो प्रोफेसर शेर सिंह के साथ नेता थे, उनसे जूनियर, उनसे दूसरी एक पायदान नीचे जो नेता थे, उनके अंदर मैं कह सकता हूँ कि चौधरी बंसीलाल भी उनसे कुछ ना कुछ नीचे ही थे। वो बाद में भले चीफ मिनिस्टर बन गए हों और आज उनको भले ऊपर देखा जाता हो, और उस वक्त चौधरी देवीलाल भी, उस वक्त चौधरी भजनलाल भी, जो बंसीलाल का परिवार है वो भी आज राजनीति में है, भजनलाल जी का परिवार है वो भी राजनीति में है, और चौधरी देवीलाल का परिवार भी, उनकी पार्टियाँ बनी हुई हैं वो भी राजनीति में है। क्या इतने बड़े कद्दावर नेता प्रोफेसर शेर सिंह जैसे, क्या उनके लड़के को कभी ये नहीं आया कि उनको राजनीति में आना चाहिए? डॉक्टर तरुण राजनीति में क्यों नहीं आए? अच्छा, देखिए इसमें दो बातें जुड़ी हुई हैं इसके साथ जी। एक तो ये है कि मेरे चाचा जी जो ओम प्रकाश जी थे, ओम प्रकाश बेरी, बेरी जो विधायक बने बेरी से, जी जी जी, जो मेरे फादर के बाद छोटे भाई थे, जहाँ मेरे फादर जब सेंटर में चले गए जी एमपी का इलेक्शन लड़ने गए, तो इन्होंने उनको यहाँ से जो है, चाहते थे मेरे फादर के भाई दोनों में से कौन लड़े, तो समय बड़े थे वो तो, और देखते थे तो उनको ही लड़ाया गया इलेक्शन वहाँ से। तो एक तो बात ये हुई, इसलिए उस समय पॉलिटिकल एंट्री नहीं हुई 1982 में जी। ओम प्रकाश बेरी जी विधायक बने थे बेरी हल्के से जी जी, जी। और मैंने उस समय सिर्फ अपना नौकरी ज्वाइन की थी हाल ही में, तो उनको टिकट मिली। दूसरा ऐसा हुआ कि 91 में भजन लाल जी ने जो है घर आके कहा कि भाई प्रोफेसर साहब, डॉक्टर तरुण को जो है हमें एमपी का इलेक्शन लड़ाना है और उनकी टिकट मैंने पक्की कर दी है जी। तो लेकिन जो हमारे देवीलाल जी से इतने पुराने संबंध चलते आ रहे थे जी, उनको मैं ताऊ कहता था जी, और एक ढंग से पॉलिटिकल तो थे ही और पारिवारिक संबंध भी हो गए थे, तो मेरे मदर और फादर ने कहा, देखिए हम लोग संस्कारी लोग हैं और इन संस्कारों को हम कभी नहीं भूल सकते, उनसे हमारे जो ताल्लुकात हैं आप उनके खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़। 1991, एक मिनट में रोकूंगा, 1991 का वही चुनाव है जो जिसमें चौधरी देवीलाल रोहतक से चुनाव हार गए थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एकदम से एक मजबूत नेता के तौर पर, चौधरी देवीलाल को हराने वाले नेता के तौर पर एंट्री हुई थी। अगर वो चुनाव आप लड़ लेते तो आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस स्थिति में आज है शायद नहीं होते। अब ये तो नहीं कह सकते कि क्या समय, लेकिन उस समय टिकट जो है मेरे को दे दी गई थी बिल्कुल कि आप लड़ेंगे, तो मेरे परिवार ने बिल्कुल उसको मना कर दिया कि हम ये जो है ऐसा गैर संस्कारी काम नहीं कर सकते, जिन चौधरी देवीलाल के साथ मिलकर काम किया उनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ सकते, आप उनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ सकते। बल्कि भजन लाल जी ने कहा भी कि देखिए उनका परिवार तो आपस में चुनाव लड़ता रहता है और राजनीति में इसका कोई वो नहीं है, राजनीति में हर आदमी अलग अलग पार्टी में बैठा हुआ, आप देवीलाल जी भी आजकल अलग अलग पार्टी में दोनों, इसमें तो कोई बात नहीं है, ठीक है आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा लेकिन आप लोग अलग अलग पार्टी में तो हैं, लेकिन ये भी चीज़ जो है उनको कन्विंस नहीं कर पाई मेरे फादर को कि भाई ऐसा काम, सिद्धांतों के साथ समझौता, हाँ बिल्कुल नहीं, उन्होंने कहा नहीं हम काम नहीं करेंगे। आप तैयार थे? हम देखिए ऐसा है कि पॉलिटिकल पॉलिटिक्स तो थी घर में, तो ना तैयार, और ना तैयार होने का तो मतलब ही नहीं था, इलेक्शन तो जो है वो तो लड़ना ही होता है, जिस समय आपने लड़ना है तो फिर लड़ना है इलेक्शन, उसमें हार जीत तो कोई आदमी यही नहीं कह सकता कि मैं आज हारूंगा या जीतूंगा, मतलब कहा जा सकता है कि जो आपकी टिकट थी वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दी गई, अगर आप चुनाव लड़ते तो टिकट आपको मिलती। हाँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 1991 का चुनाव नहीं लड़ते। नहीं, मुझे तो टिकट मिल गई थी, लेकिन एक बात और भी है, मैं कहना चाह रहा हूँ मैं जी, कि मैं मतलब मेरा कुछ मन मरा नहीं उस चीज से, मेरे फादर ने जो कहा संस्कार की वजह से कि भाई मेरे मुझे चलो जी मैंने आपका फैसला मान लिया और ठीक है, लेकिन ये ठीक बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, मैं भी उन संस्कारों में बिलीव करता था और मुझे भी ये लगा कि नहीं, हाँ जो मेरे फादर ने, मतलब आप भी आर्य समाजी थे, हाँ मेरे फादर ने जो डिसीजन लिया है वो सचमुच ठीक लिया है, नहीं लड़ना चाहिए था हमें,
उनके खिलाफ। देखिए 1989 में लोकसभा का चुनाव हुआ रोहतक से, चौधरी देवीलाल दो जगह से चुनाव लड़े, सीकर से और रोहतक से। रोहतक से दोनों जगह से बनने के बाद रोहतक से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके चुनाव के बाद चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने, केंद्र में चले गए और जो जहां से वो विधायक थे वहां से सीट खाली हुई। उसके बाद महम जो कांड आता है वो सारा घटित हुआ, मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता, उस पर हमने अलग से स्टोरी कवर करी है। उसके बाद 1991 में जैसा डॉक्टर तरुण ने बताया कि कांग्रेस की टिकट इनको मिल रही थी, प्रोफेसर शेर सिंह ने मना कर दिया कि हम देवीलाल के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहते, हमारे संस्कार इजाज़त नहीं देते, सिद्धांत इजाज़त नहीं देते। और उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़े, भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ने के बाद चौधरी देवीलाल को हराया और फिर दूसरी बार भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हराया, तीसरी बार भी हराया और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े नेता बने चौधरी देवीलाल को हराकर। राजनीति में समीकरण कैसे बदलते हैं, जो टिकट डॉक्टर तरुण को मिल रही थी इन्होंने मना कर दिया, वही टिकट फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिली, उन्होंने चौधरी देवीलाल को हराया और बड़े नेता के तौर पर स्थापित हुए और बहुत अच्छे नेता रहे। मैं तो जो है उनका बहुत समर्थन करता हूँ हमेशा जी, और अच्छे नेता रहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हाँ अच्छे नेता रहे। देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस फैक्ट को या इस बात को जानते हैं कि जो टिकट 1991 में आपको मिल रही थी वो उनको मिली। मैं तो नहीं कह सकता ये बात तो कि वो जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, नहीं ऐसे कभी बात नहीं हुई हमारी, नहीं कभी ऐसी बात नहीं हुई हमारी, लेकिन ऑल्टरनेटिव चॉइस वही थे, बनते थे वो, क्योंकि रणबीर सिंह भी नेता थे पुराने और उस समय जो है चौधरी देवीलाल को अगर कोई परिवार टक्कर दे सकता था तो ऐसा ही परिवार दे सकता था जो कि राजनीतिक तौर के ऊपर वेल एस्टेब्लिश्ड हो, तो ये परिवार वैसे एस्टेब्लिश था ही और भूपेंद्र सिंह जी जो हैं वो राजनीति से जुड़े हुए थे, तो इसलिए उन्होंने इलेक्शन लड़ा और बहुत बढ़िया रहा वो। चलिए ये था किस्सा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टिकट मिलने का, वही टिकट जिस टिकट के लिए प्रोफेसर शेर सिंह जी ने और डॉक्टर तरुण ने समझौता कर लिया चौधरी देवीलाल के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ने का।